वालेकुम, खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंजर खान है और आप देख रहे हैं मंजर डिज़ाइंस। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फ्री स्टॉक इमेजेस शेयर की, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि वो कौन सी यूज़फुल वेबसाइट है जहां से हम हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन वेबसाइट को डिस्कवर किया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें मंजर डिज़ाइंस, और यहाँ पर आपके पास ये जो टॉप 10 फ्री स्टॉक इमेजेस वेबसाइट वीडियोज़ है, इसको ज़रूर आप वॉच कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जब हम फोटोशॉप के ऊपर काम करेंगे, टूल्स के अंदर हम काम करेंगे, तो हमें इमेजेस रिक्वायर होंगी, हमें वीडियोस रिक्वायर होंगी, तो इन वेबसाइट के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम फॉन्ट्स, जो हमारे पास एक राइटिंग स्टाइल होता है, उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट है जहां से हम फ्री फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट दरअसल होता क्या है? अ फॉन्ट इज़ अ पार्टिकुलर साइज, ये एक ख़ास साइज़ होता है इनका, राइटिंग स्टाइल होता है इनका। हम इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कुछ फॉन्ट हमारे पास बोल्ड होते हैं, कुछ फॉन्ट हमारे पास इटैलिक होते हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं और इन फॉन्ट्स के बग़ैर हमारे प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल हैं। कौन सी पॉपुलर वेबसाइट हैं वेयर वी कैन डाउनलोड फ्री फॉन्ट्स फॉर आवर प्रोजेक्ट्स? तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉपुलर वेबसाइट नेम हैं वो है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स आपको फ्री फॉन्ट्स प्रोवाइड करता है, वहाँ से हम मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और हम उनको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 1001 फॉन्ट्स हमारे पास एक और वेबसाइट है, इसका प्रोसेस भी सेम है, यहाँ से भी हम फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है द फॉन्ट, इस वेबसाइट के ऊपर भी हम फॉन्ट्स को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो वन बाय वन हम इन वेबसाइट को डिस्कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पर आप लिख लें गूगल फॉन्ट्स। जब आप गूगल फॉन्ट्स लिखेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास गूगल फॉन्ट्स का लिंक आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये शो हो जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले जो गूगल फॉन्ट्स के नीचे एक सर्च बार है, यहाँ पर आप फॉन्ट्स के नाम वगैरह सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सेंटेंसेस है। अभी जो हमारे पास नीचे जितने भी फॉन्ट्स शो हो रहे हैं ये सेंटेंसेस में हैं, तो अगर आपको ये सेंटेंसेस नहीं चाहिए तो आप इनको अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हैं। तो ये अभी आपके पास अल्फ़ाबेट्स में शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप पैराग्राफ कर लें, पैराग्राफ में आपके पास जितने भी फॉन्ट्स हैं ये सारे आपके पास पैराग्राफ में शो हो जाएंगे। अगर आप नुमेरिक करना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसके ऊपर नुमेरिक क्लिक किया तो आपके पास नीचे फिगर्स में ये सारे शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इनको पैराग्राफ में रहने देता हूँ क्योंकि पैराग्राफ में इनका व्यू बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप समथिंग, आप कुछ चीज़ भी इधर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ माय एन एम नेम इज एम ए एन जेड ए आर मंजर के एच एन खान। तो जो ही मैंने अपना नाम लिखा, एक सेंटेंस लिखा, तो यहाँ जितने भी फॉन्ट्स थे तो उन सब ने इनको क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ठीक, इसी तरह आपके पास 24px ये फ़ोन का साइज़ अभी अवेलेबल है हमारे पास। आप इस स्लाइडर को थोड़ा आगे की तरफ इंक्रीज़ करेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे और पीछे करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको ब्लैक करता हूँ तो आपके पास इस तरह का व्यू होगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए तो आपने इसको वाइट ही करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज होती हैं, सेरिफ, सेंस सेरिफ, डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, मोनो स्पेस। ठीक, तो इनको भी आप डिस्कवर कर लें। यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेस होती है, अरेबिक आपको चाहिए, बंगाली चाहिए, कोई भी आपको ज़बान चाहिए तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थिक, रेगुलर, इटैलिक, इस तरह के। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फॉन्ट को हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फॉन्ट है इंटर, तो अब इसको हमने ये जो हमारे पास इंटर फॉन्ट है ये वाला, इसको हमने डाउनलोड करना है। तो आपने सिंपली सेलेक्ट दिस फॉन्ट, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से माइनस के ऊपर आप क्लिक कर लें और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। जो ही आपने इसको डाउनलोड किया तो आपके पास ये नीचे
आ गया है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं अभी। अभी ये जो हमारे पास डाउनलोड हो गया है, अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का सिंपल मेथड यह है कि उस फ़ोन को आपने सेलेक्ट करना है और उस फ़ोन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। इसी तरह हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है 100 फोन्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपके पास ये शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ़ोन आपको चाहिए वो आप डाउनलोड करें। क्योंकि पहले हमने एंटर फोन्स को डाउनलोड किया है, तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करते हैं और ये जो आपके पास फोल्डर है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें और ये जो फॉन्ट आपके पास है ये वाला, ये इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर दें और आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। प्रोसेस मेथड सेम है सब के साथ, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसका नाम है द फॉन्ट। यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप ये लिख लें और इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करें और आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ से भी आप जो फॉन्ट आपको चाहिए आप उसको सर्च करें। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं, इनको आपने वन बाय वन डिस्कवर करना है, फॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है, चेक करना है। और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड किया और इसको जो है ये जो फोल्डर है इसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया। तो डबल क्लिक करने से आपके पास ये पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो आपके पास ये इंस्टॉल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में फोन्स को डाउनलोड करना सीखा, इंस्टॉल करना सीखा और जो हमारे पास वेबसाइट हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गूगल फोन्स हो गया, 1001 हो गया और द फोन्स एक और वेबसाइट है, तो ये तीन वेबसाइट बहुत यूज़फुल हैं। तो इनको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इनको डाउनलोड करें, फोन्स को इंस्टॉल करें, तो प्रोसेस सबका सेम है। इससे अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ से हम ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद हम एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे।